गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 33 फ्रॉम चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर एंड द क्वेश्चन इज ऑन 1st April 2013 ए लिमिटेड कंपनी इशूड 7,000 डिबेंचर ऑफ ₹200 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट द एंड ऑफ 7 years एट 7 साल के बाद डिबेंचर्स को रिडीम करना है. कह रहे हैं 7,000 कंपनी ने, लिमिटेड कंपनी ने 7,000 डिबेंचर इशू किया ₹200, मतलब 7 × 14 और 2 × 3 = 5 मीन्स 14 lakh. वॉट इट? तो पहले सबसे पहले और क्या कह रहे हैं, एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब ओवरऑल ये कि 5% के डिस्काउंट पर 7,000 डिबेंचर को इशू किया गया जो कि ₹200 का, तो 14 lakh rupees आने चाहिए, लेकिन उसका 5% डिस्काउंट है तो 14 lakh का 10% 1,40,000 और 5% 70,000, तो 13,30,000 आ जाएगा आपको पहले. फिर हम इसको जब ड्यू करते हैं तो डिबेंचर सप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 13,30,000 की बहुत नहीं पैसा आया है. फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि हमने ये इसको इशू करने पर डिस्काउंट दिया है तो 70,000 का उसको डेबिट किए, टू डिबेंचर 14 lakh. गॉट इट? फिर अब देखिए, हेल्स आई हैव रिटन हियर, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर, हेल्स डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू 70,000 एंड इट कैन बी रिडीम्ड इन 7 years. और इसको अभी 7 साल में रिड्यूम करना, मतलब मेरे पास 7 साल तो है ही है, तो हम ऐसा राइट ऑफ करें ताकि सब सारे के सारे सालों में इक्वल चला जाए. भाई एक बार डिबेंचर अगर हमने इशू किया, 7 साल के बाद हमको रिड्यूम करना है, तो उस डिबेंचर से मिलने वाले पैसे को हम 7 साल तक यूज तो करेंगे ना, तो उस पर होने वाले एक्सपेंस को भी 7 साल में हम बियर कर लेंगे धीरे धीरे करके. तो 70,000 है, 7 साल में खत्म होगा तो 1 साल में 10,000. और एन जी, अभी इससे पहले की क्वेश्चन में मैंने आपको बताया डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है स्टूडेंट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने बताया. थैंक यू.